जी एक बात बोलूं, हाँ आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। है ना, ये तो है, न्यू है ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर। अभी तो इसको चलाने का अपना ही मजा है। वैसे राजू एक बात बताओ, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी हो जो कि तुम्हारी अपनी हो? हाँ जी बाजी, मैं ऐसी गाड़ी का क्या करूंगा, ये अमीरों के काम है। बस ये तो एक ही ख्वाहिश है, एक अच्छी सवारी हो, एक अच्छी घरवाली हो, बस उस गरीब के लिए यही काफी है। अच्छा अब ध्यान से गाड़ी चलाओ और म्यूजिक ऑन करो। जी बाजी। मेरी को तो जिंदगी सवर गई और मेरी मजीद ही उजड़ गई। बस खिदमतें किए चले जाओ मुफ्त में, कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता मुझे। आपा, आपा से बात कर। हाँ बोलो। अल्लाह का शुक्र है आपा, आपने अपनी फोन ना उठाने की कसम तो तोड़ी। वैसे मैं नाराज हूँ आपसे। चंद दिन रह गए हैं आपकी शादी में और खाला का कुछ अता पता ही नहीं है। बस आप ना हैदराबाद से कराची पहुंचे फौरन। भाई मैं नहीं आ रही हूँ जीनत। शादी वादी तुम खुद ही कर लो। तस्लीम के अब्बा ने साफ मना कर दिया है। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? अरे वही जो तुमने रिश्ता करते वक्त मशवरा तक तो किया नहीं। को चाहिए था मिठाई लेकर आता, घर पे दावतनामा देता, इसरार करता आने के लिए। ऐसे थोड़ी कोई मुंह उठा के चला जाते, बस फोन पे बुला लिया और चले गए। वैसे आपा, आपके शौहर की तरह आदत है हर खानदान की शादी में कोई ना कोई पंगा जरूर करना होगा। देखो जीनत, इस मर्तबा तुम्हारे भाई साहब की कोई बात गलत नहीं है। भाई तुमने भी तो चट मंगनी पट ब्याह रख दिया। मशवरा ना सही, कम से कम लड़के से तो मिलवाती। अरे आपा मुझसे किसने मशवरा लिया, पाशा साहब ने बस हुक्म सुना दिया। मैं भी लड़के से मुश्किल से 4 दफा ही मिली हूँ। लो उस पागल ने हुक्म दिया और तुम मान गई। तोती किस नकार खाने में सुनता कौन है। लो भाई जब तुम्हारे खुद ही ये हालात है तो हमें वहाँ कौन पूछेगा। आपा बात को समझे, हालात बदलने के लिए तो आपको बुला रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा, कोई सोना वोना हाथ लग गया है तुम्हारे क्या? आपा टीवी नहीं देखती ना, देखा करें। अरे भाई जो पाकिस्तान में उम्मीद से 2 करोड़ जीते हैं। हाँ। अरे क्या कह रही हो तुम, 2 करोड़? इसलिए तो कह रही हूँ यहाँ नहीं आते ना आए, आप तो तस्लीम को लेकर ना फौरन आ जाएं। नहीं जीनत, तस्लीम के अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम लोग उनको वो इज्जत ही नहीं देते जो उनका हक है। नहीं घर के बड़े दामाद हैं, कम से कम कुछ तो उनकी इज्जत है ना। ऐसे नहीं मैं आ रही उनके बगैर। बात आप समझते ही नहीं है, बस मुझसे नाराजी होती रहती है। बात को समझें, सोचें। अगर तस्लीम और उम्मीद की शादी हो जाए तो सोचे सोचे। अच्छा ठीक है जीनत, तुम तस्लीम के अब्बा को छोड़ो, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। हाँ।